नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको बताऊंगी कि रेड, येलो और ग्रीन कैप्सिकम को कैसे लगाया जाता है। ग्रीन वाले का तो मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया था, और उसी तरीके से इन दोनों को भी, येलो और रेड को भी लगाया जाता है। तो हमारे यहाँ जो मौसम है उसके हिसाब से जो मिर्च, चाहे शिमला मिर्च हो और चाहे हरी मिर्च जिसको चिल्ली कहा जाता है वो हो, और चाहे अचारी मिर्च हो, तो इनकी जो फसल होती है वो साल में 2 बार ही ली जाती है क्लाइमेट के हिसाब से। तो मैं अपने यहाँ के क्लाइमेट की बात कर रही हूँ, तो 2 बारी जो ली जाती है वो, एक तो इसको जून और जुलाई में लगाया जाता है, और दूसरी फसल जो है वो फरवरी और मार्च में इसको ग्रो किया जाता है। तो आज मेरा सिर्फ ये एक एक्सपेरिमेंट होगा, तो मैं इनको लगा के देखना चाहती हूँ कि इनके प्लांट्स मैं सर्दियों में इनको सेव कर पाती हूँ कि नहीं, फिर फरवरी और मार्च में तो इनका लगाने का टाइम आ ही जाएगा। तो क्योंकि जब कोहरा पड़ता है, कोहरे का जो असर होता है वो सारे प्लांट्स पे होता है, तो इन पे भी होगा। तो मैं इनको थोड़ा बचा के रखूँगी, थोड़ा ऐसी जगह में रखूँगी कि जहाँ पे सीधा कोहरा ना पड़े। और जब फरवरी मार्च आएगा तो फिर मैं इन प्लांट्स की ग्रोथ देखना चाहती हूँ। तो इससे पहले मैं आपको कुछ और दिखा दूँ, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले ये प्लांट्स अजवाइन के लगाए थे, आप देख रहे हैं, तो ये इस तरह से निकल आए हैं। ये बीच में अजवाइन के सीड भी आपको दिख रहे होंगे, ये देख रहे हैं आप, ये अजवाइन के सीड, ये देख रहे हैं ऊपर आ रहे हैं। इस तरह से ये अजवाइन के प्लांट्स हैं, तो बीच में कुछ और भी निकल आए हैं। तो इस तरह से आप अजवाइन के सीड लगा सकते हो। मैंने तो ये फर्स्ट टाइम लगाए हैं, और अभी कुछ निकल रहे हैं और कुछ निकल गए हैं। तो ये बीच में जो आप देख रहे हैं ना, ये बड़े वाला जो, ये तो कोई सी और चीज़ का, ये छोटे छोटे जो हैं ये अजवाइन के हैं। तो अगर मेरे जो भाई बहन अजवाइन के प्लांट्स लगाने के शौकीन होंगे तो वो इस तरह से देख सकते हैं कि ये इसके प्लांट्स इतने बड़े हो गए हैं। तो मैंने इनको फुल सनलाइट में रखा हुआ है, और अगर मिट्टी गिल्ली हो तो मैं पानी नहीं देती हूँ, नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा छिड़काव एक टाइम ही करती हूँ। तो अभी तो इसकी मिट्टी गिल्ली है, और पॉली बैग में वैसे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए गिल्ली रहती है। तो मैं कुछ और दिखा दूँ आपको, और ये मेरे जो प्लांट्स हैं ये आप देख रहे होंगे, बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही इतने डेलिकेट हैं कि ये, इनको लगता है कि पानी देना भी, जैसे मैंने आपको बताया था कैसे देने हैं। और ये पोपी के प्लांट्स हैं, तो अब ये कुछ थोड़े बड़े हो गए हैं, और मैंने इनको अब फुल सनलाइट में रख दिया है। ये इस तरह से हैं पूरे गमले में, ये आप देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कारपेट सा बिछने लगा हो, ये इस तरह से। तो ये अब इनकी एक एक और ऊपर पत्ती आना स्टार्ट हो गई है, और इस तरह से ये मेरे कैंडी टफ के, तो इनको भी मैंने कुछ दिन छाया में रखा था ताकि जो इनकी पौध है वो तेज धूप से मुरझा ना जाए। तो अब मैंने इनको फुल सनलाइट में रख दिया है। और ये मेरे क्राइसेंथमम के हैं, तो ये देखो इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। तो अब थोड़े से अगर ये बड़े हो जाना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर मैं इनको अलग अलग लगाना शुरू कर दूंगी अलग अलग जगहों में। तो जो मेरे क्रेसेंथिमम के पहले से प्लांट्स हैं उनमें तो बर्ड्स आना भी स्टार्ट हो गई हैं। तो इस तरह से ये रहे मेरे पोपी के, और ये तो अभी भी बहुत ही नाजुक जैसे पौध है इनकी। और ये मेरे अजवाइन के, तो जो भाई बहन अजवाइन लगाने के शौकीन है वो इस तरह से लगा सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैप्सिकम को किस तरह से लगाना है।
तो ये हम फ्रेश सीड से इसको लगाएंगे, ये रेड वाली, और इसके कुछ सीड में जो है वो उनको मैं सेव करके रखूँगी। तो सेव मैं इसलिए रखूँगी करके कि मैं उनको फरवरी और मार्च में लगाऊँगी। चाहे तो मैं फरवरी मार्च में फ्रेश भी लगा सकती थी, बट फिर वो भी मेरा एक एक्सपेरिमेंट ही होगा कि अभी इनको, इनके सीड जो मैं सेव करती हूँ और वो फरवरी मार्च में लगते हैं कि नहीं। और मैं उस पर कुछ भी अप्लाई नहीं करूँगी, जैसे कि एक्सपर्ट लोगों की एडवाइस होती है, अगर आप इन चीज़ों का, चाहे तो टमाटर का ले लो, चाहे तो कैप्सिकम का ले लो, चाहे दूसरी चिल्ली का ले लो, आप सीड लगाना चाहते हैं तो आप किसी अच्छी कंपनी का लीजिए, और चाहे तो आप अगर पूसा का ले लीजिए, और पूसा में जो सीड होते हैं वो अगर आप हाइब्रिड का इस्तेमाल करते हैं तो हाइब्रिड में जो आम प्रॉब्लम्स होती हैं वो इन प्लांट्स में वो प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। और जो इनके सीड अगर हमें सेव करने हैं तो उसके लिए क्या करना है, हमें सीड इनके निकाल के छाया में सुखा के उनको फिर थोड़ा टाइम बेवस्टीन के घोल में उनको रखना है, और वो हमारे क्या होता है कि सीड हमारे सुरक्षित हो जाएंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो अब मैं इनको बताऊंगी कि इनको ग्रो कैसे करना है। तो सिंपल सा तरीका है, हमें ग्रो कैसे करना है और सीड को सेव कैसे करना है। तो ग्रीन का तो मैंने जैसे कि आपको दिखाया था और इसके प्लांट्स भी दिखाए थे, तो आज मैं सिर्फ इसलिए रखी थी ग्रीन मिर्ची कि इसको भी सेम स्टाइल से लगा सकते हैं, बट मैं सिर्फ दो को लगाऊंगी ताकि आपको पता चलेगा कि ये दो के सीड निकले हैं कि नहीं। और मैंने गर्मियों में भी इनको ग्रो किया था, पर उस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि इनके प्लांट्स जो हैं वो फिर मर गए थे, रेड और येलो वाले के। तो बस सिंपल सा है, हमें यहाँ से ये ऐसे काट लेना है इसको, रेड वाली चिल्ली को इस तरह से ये काट लीजिए, ये काट दिया हमने, और इसके हमें सारे सीड्स निकाल लेने हैं। ये हमें रेड वाली चिल्ली को इस तरह से काट लिया है और ये इसके सीड आ गए, आप देख रहे हैं रेड कैप्सिकम। और ये मैं कुछ ऐसे निकाल के ऐसे रख लूँगी इस तरह से, और इनको छाया में किचन में कहीं भी रख लूँगी, और जब ये अच्छे से सूख जाएंगे तो फिर ये मेरे पास एक एयर टाइट पोली बैग है, ये यहाँ पे ये बंद हो जाता है, तो इसमें फिर मैं डाल के रखूँगी। तो इसी तरह से आप जो ग्रीन चिल्ली होती है या रेड चिल्ली होती है उसके भी सेव कर सकते हैं, और कुछ दिन इनको छाया में सुखा लेना है। अगर मॉइस्चर रहेगा तो फिर फंगस आ जाएगी और सीड हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें अब ये येलो वाले के भी काट के रखना है, येलो वाले के भी इसी तरह से निकालने हैं। तो ये ऐसे हम इसको काट लेंगे, ये हमारे येलो वाले भी हो गए। तो इसमें भी इस तरह से कुछ सीड हैं, आप देख रहे हैं, ये रेड वाले के हो गए और ये येलो वाले के। तो येलो वाले के भी हम इस तरह से सेव करके ये रख लेंगे। तो इनको हम इकट्ठे भी लगा सकते हैं, रेड और येलो, क्योंकि हमें तो ये दोनों के प्लांट्स चाहिए, और जब ये निकल आएंगे तो हम ये दोनों के सेव कर लेंगे। ये इस तरह से, ये देखिए आप, ये इसके सीड हैं, ये चीज़ निकाल ली, और ये पूरे सीड हैं इसके येलो वाले के। तो अगर हम इसको सुखा के एयर टाइट किसी भी चीज़ में, पोली बैग में सेव कर लेते हैं, तो वो हम फरवरी मार्च में इनको लगाएंगे, और फिर हम बरसातों में भी इनको ग्रो कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, तो ये मैं पूरे ये इस तरह से निकालूंगी, ये इस तरह से ये पूरे सीड आ गए हमारे, और ये ऐसे ये सीडी सीड हैं ये हमारे, ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से, इस तरह से
देख रहे हैं, तो ये हमारे सीड हो गए येलो के और ये रेड के। तो इनको लगाना कैसे है, बहुत ही सिंपल है। और अगर आप ग्रीन वाले के लगाना चाहते हैं तो वो भी इसी तरीके से लगाने हैं। इस पर तो मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो क्योंकि अगर मैं ग्रीन के भी लगाती हूँ तो फिर हो सकता कि आपको लगे कि ग्रीन के निकल आए होंगे, रेड और येलो के ना निकले हों, तो सिर्फ मैं रेड और येलो के ही इसलिए ग्रो कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने पॉट ले लिया है और इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। और मैंने इस मिट्टी को गीला कर लिया है, ये मेरे गार्डन की मिट्टी है और घर की बनाई हुई कंपोस्ट, किचन की जो वेस्ट मटेरियल होता है और गार्डन की जो सड़ी गली पत्तियाँ हैं, तो उसके मटेरियल से मैंने ये इस मिट्टी में मिक्स कर दिया है। तो अब हम कैसे करना है, रेड और उसको येलो को इकट्ठे ऐसे स्प्रिंकल करना है, बस ऐसे, इनको दबाना नहीं है। अगर जो मोटे सीड होते हैं वो तो हम मिट्टी में दबा देते हैं, और जो हल्के और ये बारीक सीड होते हैं इनको हम ऐसे ही बस अब ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे, ये इस तरह से ये स्प्रिंकल कर दिए, और ऊपर हम चाहे तो हमारे पास अगर गोबर की खाद हो तो वो हम ऊपर से ढक सकते हैं सीड्स को, और चाहे तो हमारे पास अगर पत्तियों की बनी खाद हो, कंपोस्ट हो, तो हम उसको भी डाल सकते हैं इस तरह से। तो ये हमने डाल दिए हैं रेड और येलो कैप्सिकम। तो इनका तो अभी मेरे यहाँ क्लाइमेट ऐसा है कि इनका सीज़न नहीं है लगाने का, तो फिर भी मैं ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगा रही हूँ, और मैं इनको फिर जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी और कोहरा रहेगा तो मैं उनसे सेव करने के लिए इनको कहीं ऐसी जगह में रखूँगी जहाँ पे कोहरा ना पड़े। तो ऊपर से मैंने ऐसे मिट्टी हल्की डाल दी है ऊपर से, ताकि चिड़ियाँ वगैरह ना खाएं, और मैं इस पॉट को धूप में ही रहने दूंगी इस तरह से। तो मैं मिट्टी ही स्प्रिंकल कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से निकल आए। और लास्ट टाइम जो मैंने नीचे लगाया था, तो जहाँ पे नीचे मेरा गार्डन है तो वहाँ पे मैंने बीज ऐसे ही फेंक दिए थे, और कुछ दिनों के बाद देखे थे मिट्टी में दबाए भी नहीं थे, और कुछ दिनों के बाद फिर उसके पौधे निकल आए थे, और जो कि बड़े भी प्लांट बने थे और मैंने आपको दिखाए थे इस तरह से। बस इस तरह से ये मिट्टी हमने फेंक दी है, तो ये अब इसको धूप में रख देना है। धूप में रखने से क्या हुआ कि इसको तेज़ धूप मिलेगी, और तेज़ धूप से फिर सीड जो है जल्दी फूटेंगे, स्प्राउटिंग इनकी जल्दी स्टार्ट होगी। तो ये है, तो बस ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है कि इस सीज़न में इनको मैं कैसे फरवरी मार्च तक सुरक्षित रख सकती हूँ। और फरवरी मार्च में तो वैसे ही इनके लगाने का टाइम होता है, अगर फरवरी मार्च तक इनके प्लांट्स अच्छे से चलते हैं तो फिर इन पे फ्रूटिंग भी अच्छी होगी। तो अब फिर हमें थोड़ा सा पानी दे देना है इन पे, ये पानी इन पे स्प्रिंकल कर देना है। नीचे तो मैंने मिट्टी गिल्ली कर दी थी, और इसको धूप में ही रखना है, और जब इसकी छोटी छोटी पौध निकलना शुरू हो जाए तो फिर इसको धूप और छाया वाली जगह में रखना है। जो लास्ट टाइम मैंने ये ग्रो किए थे येलो और रेड वाली शिमला मिर्च, तो उस टाइम मैंने इनको धूप में छाया में तो रखा था, बट उस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी थी, गर्मियों में मैंने लगाए थे, तो गर्मियों में वो पूरे जो मेरी पौध थी वो सारी ख़राब हो गई थी, मर गई थी। तो अभी क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो गया है और मौसम में थोड़ी सी ठंडक आ चुकी है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये एक्सपेरिमेंट इस टाइम करना बेटर है। और बस कोहरे की प्रॉब्लम है, कोहरे से थोड़ा
बचाना है इनको, और ये सीड को कैसे सेव करना है, बचाना है हमें फरवरी मार्च या जुलाई के लिए, बस ये भी मैं देखना चाहती हूँ। ये इनको तो वैसे मैं लगाना चाहूँ तो मैं फ्रेश उस टाइम लगा सकती हूँ, बट मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि इस तरह से सेव करके सीड लगते हैं कि नहीं, फ्रेश सीड को इस तरह से सेव करके वो लगते हैं सीड के नहीं। तो इस तरह से मैंने ये सारे सीड ले लिए हैं, तो आप देख रहे हैं। और इनको मैं छाया में अपने किचन के किसी एक साइड में प्लेट में रख दूँगी या किसी और चीज़ में, और फिर जब ये अच्छे से सूख जाएं तो इनको फिर मैंने आपको बताया जैसे एयर टाइट पोली बैग में डाल के सेव कर दूँगी, और फिर इसको किसी और चीज़ में रख दूँगी, और बाद में इसी तरह से जैसे ये मैंने ग्रो किए हैं और इसी तरह से मैं इनको लगाऊंगी। तो एक्सपर्ट की एडवाइस ये थी कि जब हम इनकी पौध तैयार हो जाती है, जब हमें इनको अलग अलग से लगाना है, तो इनकी रूट्स को आधा पौना घंटा वेवस्टीन के घोल में डाल के रखना है, और जो प्रॉब्लम्स इनके प्लांट्स में आती हैं वो फिर नहीं आएंगी, जैसे कि मैंने टमाटर के प्लांट के लिए बताया था, और सेम ही मिर्च के प्लांट के लिए भी उन्होंने यही चीज़ें बताई हैं। तो मैं खैर ना तो मैंने पूसा के वो लाई हूँ, हाइब्रिड वाले सीड लाई हूँ, मैं तो ये फ्रेश वाले मैंने निकाले हैं, और ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट है इस टाइम। तो कैसे मैं इसको बचाती हूँ लगाती हूँ ये मैं आपके साथ, कैसे अगर इसकी पौध निकलती है या नहीं निकलती है वो मैं सब आपसे शेयर करूँगी, और मुझे नहीं पता कि अब इनके सीड निकलेंगे। और इनके ये देखिए सीड इनमें बहुत सारे हैं, इनके सीड में से छोटे छोटे ये पौध निकलती है कि नहीं, और जैसा भी होगा मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। होप करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भाई बहन मेरे चिली प्लांट लगाना चाहते हैं और या फिर शिमला मिर्च के लगाना चाहते हैं, तो जैसे मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है उस तरह से आप भी कर सकते हो, और कोहरे से आप बचाना इनको, और फिर बचा के फरवरी मार्च में तो वैसे भी इनके लगाने का टाइम आ जाता है, और अगर फरवरी मार्च तक आपके प्लांट्स बने रहते हैं, छोटे छोटे होंगे बने रहेंगे, तो आप इनको फिर अच्छे से किसी बड़े पॉट में लगाना, छोटे में मत लगाना, एक एक प्लांट बड़े पॉट में लगाना, इसके प्लांट को बड़े पॉट की ज़रूरत होती है, और फिर वो फ्रूट अच्छे से देता है। और अगर आपके पास सुविधा है इस तरह से नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप किसी भी कंपनी के या पूसा के हाइब्रिड वाले सीड ले आइए, और उनके प्लांट्स में फिर आगे जो इनको इनके प्लांट्स में प्रॉब्लम होती हैं वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो होप करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप फ्रेश इस तरह से लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से लगा लीजिए, और पानी आपने ज़्यादा नहीं देना है, अभी दे दिया है बस एक ही टाइम देना है, अगर मिट्टी सूखेगी फिर देना है, और बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, अगर बहुत ज़्यादा गिल्ला ये रहेगा तो हमारे फिर ये सीड सड़ने का डर रहेगा और स्प्राउटिंग नहीं होगी। तो बस मैंने अभी दिया है, और पूरा दिन ये मेरा जो पॉट है धूप में पड़ा रहेगा, और जैसे फिर इसमें स्प्राउटिंग आएगी फिर मैं इसको पानी देना अच्छे से स्टार्ट करूँगी, और ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छे से रखूँगी, और फिर इनको ऐसी जगह रखूँगी जहाँ पे धूप और छाया आती रहे। धन्यवाद जी। बट मैं सिर्फ दो को लगाऊंगी ताकि आपको पता चलेगा कि ये दो के सीड निकले हैं कि नहीं। और मैंने गर्मियों में भी इनको ग्रो किया था, पर उस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि इनके प्लांट्स जो हैं वो फिर मर गए थे, रेड और येलो वाले के। तो बस सिंपल सा है, हमें यहाँ से ये ऐसे काट लेना है इसको, रेड वाली चिल्ली को इस तरह से ये काट लीजिए, ये काट दिया हमने, और इसके हमें सारे सीड्स निकाल लेने हैं, ये हमें रेड वाली चिल्ली को इस तरह से काट लिया है, और ये इसके सीड आ गए, आप देख रहे हैं रेड कैप्सिकम।
और ये मैं कुछ ऐसे निकाल के ऐसे रख लूँगी इस तरह से, और इनको छाया में किचन में कहीं भी रख लूँगी। और जब ये अच्छे से सूख जाएंगे तो फिर ये मेरे पास एक एयर टाइट पॉली बैग है, ये यहाँ पे ये बंद हो जाता है, तो इसमें फिर मैं डाल के रखूँगी। तो इसी तरह से आप जो ग्रीन चिल्ली होती है या रेड चिल्ली होती है उसके भी सेव कर सकते हैं, और कुछ दिन इनको छाया में सुखा लेना है। अगर मॉइस्चर रहेगा तो फिर फंगस आ जाएगी और सीड हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें अब ये येलो वाले के भी काट के रखना है, येलो वाले के भी इसी तरह से निकालने हैं। तो ये ऐसे हम इसको काट लेंगे, ये हमारे येलो वाले भी हो गए। तो इसमें भी इस तरह से कुछ सीड हैं, आप देख रहे हैं, ये रेड वाले के हो गए और ये येलो वाले के। तो येलो वाले के भी हम इस तरह से सेव करके ये रख लेंगे। तो इनको हम इकट्ठे भी लगा सकते हैं, रेड और येलो, क्योंकि हमें तो ये दोनों के प्लांट्स चाहिए, और जब ये निकल आएंगे तो हम ये दोनों के सेव कर लेंगे। ये इस तरह से, ये देखिए आप, ये इसके सीड हैं, ये चीज़ निकाल ली, और ये पूरे सीड हैं इसके येलो वाले के। तो अगर हम इसको सुखा के एयर टाइट किसी भी चीज़ में पॉली बैग में सेव कर लेते हैं, तो वो हम फरवरी मार्च में इनको लगाएंगे, और फिर हम बरसातों में भी इनको ग्रो कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, तो ये मैं पूरे ये इस तरह से निकालेंगे, ये इस तरह से ये पूरे सीड आ गए हमारे, और ये ऐसे ये सीड ही सीड हैं ये हमारे, ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से, इस तरह से। आप देख रहे हैं, तो ये हमारे सीड हो गए येलो के और ये रेड के। तो इनको लगाना कैसे है, बहुत ही सिंपल है। और अगर आप ग्रीन वाले के लगाना चाहते हैं तो वो भी इसी तरीके से लगाने हैं, इस पर तो मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो क्योंकि अगर मैं ग्रीन के भी लगाती हूँ तो फिर हो सकता है कि आपको लगे कि ग्रीन के निकल आए होंगे, रेड और येलो के ना निकले हों, तो सिर्फ मैं रेड और येलो के ही इसलिए ग्रो कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने पॉट ले लिया है, और इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए, और मैंने इस मिट्टी को गिल्ला कर लिया है। ये मेरे गार्डन की मिट्टी है, और घर की बनाई हुई कंपोस्ट, किचन की जो वेस्ट मटेरियल होता है, और गार्डन की जो सड़ी गली पत्तियां हैं, तो उसके मटेरियल से मैंने ये इस मिट्टी में मिक्स कर दिया है। तो अब हम कैसे करना है, रेड और उसको येलो को इकट्ठे ऐसे स्प्रिंकल करना है, बस ऐसे, इनको दबाना नहीं है। अगर जो मोटे सीड होते हैं वो तो हम मिट्टी में दबा देते हैं, और जो हल्के और ये बारीक सीड होते हैं इनको हम ऐसे ही बस अब ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे, ये इस तरह से ये स्प्रिंकल कर दिए, और ऊपर हम चाहे तो हमारे पास अगर गोबर की खाद हो तो वो हम ऊपर से ढक सकते हैं सीड्स को, और चाहे तो हमारे पास अगर पत्तियों की बनी खाद हो, कंपोस्ट हो, तो हम उसको भी डाल सकते हैं इस तरह से। तो ये हमने डाल दिए हैं रेड और येलो कैप्सिकम। तो इनका तो अभी मेरे यहाँ क्लाइमेट ऐसा है कि इनका सीज़न नहीं है लगाने का, तो फिर भी मैं ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगा रही हूँ, और मैं इनको फिर जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी और
कोरा रहेगा तो मैं उनसे सेव करने के लिए इनको कहीं ऐसी जगह में रखूँगी जहाँ पे कोरा ना पड़े। तो ऊपर से मैंने ऐसे मिट्टी हल्की डाल दी है ऊपर से, ताकि चिड़ियाँ वगैरह ना खाएं, और मैं इस पॉट को धूप में ही रहने दूंगी इस तरह से। तो मैं मिट्टी ही स्प्रिंकल कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से निकल आए। और लास्ट टाइम जो मैंने नीचे लगाया था, तो जहाँ पे नीचे मेरा गार्डन है, तो वहाँ पे मैंने बीज ऐसे ही फेंक दिए थे, और कुछ दिनों के बाद देखे थे मिट्टी में दबाए भी नहीं थे, और कुछ दिनों के बाद फिर उसके पौधे निकल आए थे, और जो कि बड़े भी प्लांट बने थे और मैंने आपको दिखाए थे। इस तरह से, बस इस तरह से ये मिट्टी हमने फेंक दी है। तो ये अब इसको धो। नमस्कार जी, मैं मंजू, और आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको बताऊंगी कि रेड, येलो और ग्रीन कैप्सिकम को कैसे लगाया जाता है। ग्रीन वाले का तो मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया था, और उसी तरीके से इन दोनों को भी, येलो और रेड को भी लगाया जाता है। तो हमारे यहाँ जो मौसम है उसके हिसाब से जो मिर्च, चाहे शिमला मिर्च हो और चाहे हरी मिर्च जिसको चिल्ली कहा जाता है वो हो, और चाहे अचारी मिर्च हो, तो इनकी जो फसल होती है वो साल में दो बार ही ली जाती है क्लाइमेट के हिसाब से। तो मैं अपने यहाँ के क्लाइमेट की बात कर रही हूँ। तो दो बारी जो ली जाती है वो, एक तो इसको जून और जुलाई में लगाया जाता है, और दूसरी फसल जो है वो फरवरी और मार्च में इसको ग्रो किया जाता है। तो आज मेरा सिर्फ ये एक एक्सपेरिमेंट होगा, तो मैं इनको लगा के देखना चाहती हूँ कि इनके प्लांट्स मैं सर्दियों में इनको सेव कर पाती हूँ कि नहीं। फिर फरवरी और मार्च में तो इनका लगाने का टाइम आ ही जाएगा। तो क्योंकि जब कोहरा पड़ता है, कोहरे का जो असर होता है वो सारे प्लांट्स पे होता है, तो इन पे भी होगा। तो मैं इनको थोड़ा बचा के रखूँगी, थोड़ा ऐसी जगह में रखूँगी कि जहाँ पे सीधा कोहरा ना पड़े। और जब फरवरी मार्च आएगा तो फिर मैं इन प्लांट्स की ग्रोथ देखना चाहती हूँ। तो इससे पहले मैं आपको कुछ और दिखा दूँ। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले ये प्लांट्स अजवाइन के लगाए थे, आप देख रहे हैं, तो ये इस तरह से निकल आए हैं। ये बीच में अजवाइन के सीड भी आपको दिख रहे होंगे, ये देख रहे हैं आप, ये अजवाइन के सीड, ये देख रहे हैं ऊपर आ रहे हैं इस तरह से, ये अजवाइन के प्लांट्स हैं। तो बीच में कुछ और भी निकल आए हैं। तो इस तरह से आप अजवाइन के सीड लगा सकते हो। मैंने तो ये फर्स्ट टाइम लगाए हैं, और अभी कुछ निकल रहे हैं और कुछ निकल गए हैं। तो ये बीच में जो आप देख रहे हैं ना, ये बड़े वाला जो, ये तो कोई सी और चीज़ है, ये छोटे छोटे जो हैं ये अजवाइन के हैं। तो अगर मेरे जो भाई बहन अजवाइन के प्लांट्स लगाने के शौकीन होंगे तो वो इस तरह से देख सकते हैं कि ये इसके प्लांट्स इतने बड़े हो गए हैं। तो मैंने इनको फुल सनलाइट में रखा हुआ है, और अगर मिट्टी गिल्ली हो तो मैं पानी नहीं देती हूँ, नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा छिड़काव एक टाइम ही करती हूँ। तो अभी तो इसकी मिट्टी गिल्ली है, और पॉली बैग में वैसे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए गिल्ली रहती है। तो मैं कुछ और दिखा दूँ आपको। और ये मेरे जो प्लांट्स हैं, ये आप देख रहे होंगे बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही इतने डेलिकेट हैं कि ये, इनको लगता है कि पानी देना भी, जैसे मैंने आपको बताया था कैसे देने हैं, धूप में रख देना है। धूप में रखने से क्या हुआ कि इसको तेज़ धूप मिलेगी, और तेज़ धूप से फिर सीड जो है जल्दी फूटेंगे, स्प्राउटिंग इनकी जल्दी स्टार्ट होगी। तो ये है, तो बस ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है कि इस सीज़न में इनको मैं कैसे फरवरी मार्च तक सुरक्षित रख सकती हूँ। और फरवरी मार्च में तो वैसे ही इनके लगाने का टाइम होता है, अगर फरवरी मार्च तक इनके प्लांट्स
अच्छे से चलते हैं तो फिर इन पे फ्रूटिंग भी अच्छी होगी। तो अब फिर हमें थोड़ा सा पानी दे देना है इन पे, ये पानी इन पे स्प्रिंकल कर देना है। नीचे तो मैंने मिट्टी गिल्ली कर दी थी और इसको धूप में ही रखना है। और जब इसकी छोटी छोटी पौध निकलना शुरू हो जाए तो फिर इसको धूप और छाया वाली जगह में रखना है। जो लास्ट टाइम मैंने ये ग्रो किए थे येलो और रेड वाले शिमला मिर्च, तो उस टाइम मैंने इनको धूप में छाया में तो रखा था, बट उस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी थी, गर्मियों में मैंने लगाए थे तो गर्मियों में वो पूरे जो मेरी पौध थी वो सारी ख़राब हो गई थी, मर गई थी। तो अभी क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो गया है और मौसम में थोड़ी सी ठंडक आ चुकी है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये एक्सपेरिमेंट इस टाइम करना बेटर है। और बस कोहरे की प्रॉब्लम है, कोहरे से थोड़ा बचाना है इनको। और ये सीड को कैसे सेव करना है, बचाना है हमें फरवरी मार्च या जुलाई के लिए, बस ये भी मैं देखना चाहती हूँ। ये इनको तो वैसे मैं लगाना चाहूँ तो मैं फ्रेश उस टाइम लगा सकती हूँ, बट मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि इस तरह से सेव करके सीड लगते हैं कि नहीं, फ्रेश सीड को इस तरह से सेव करके वो लगते हैं सीड के नहीं। तो इस तरह से मैंने ये सारे सीड ले लिए हैं, तो आप देख रहे हैं। और इनको मैं छाया में अपने किचन के किसी एक साइड में प्लेट में रख दूँगी या किसी और चीज़ में, और फिर जब ये अच्छे से सूख जाएं तो इनको फिर मैंने आपको बताया जैसे एयर टाइट पोली बैग में डाल के सेव कर दूँगी और फिर इसको किसी और चीज़ में रख दूँगी। और बाद में इसी तरह से जैसे ये मैंने ग्रो किए हैं और इसी तरह से मैं इनको लगाऊंगी। तो एक्सपर्ट की एडवाइस ये थी कि जब हम इनकी पौध तैयार हो जाती है, जब हमें इनको अलग अलग से लगाना है, तो इनकी रूट्स को आधा पौना घंटा वेबस्टीन के घोल में डाल के रखना है और जो प्रॉब्लम्स इनके प्लांट्स में आती हैं वो फिर नहीं आएंगी, जैसे कि मैंने टमाटर के प्लांट के लिए बताया था और सेम ही मिर्च के प्लांट के लिए भी उन्होंने यही चीज़ें बताई हैं। तो मैं खैर ना तो मैंने पूसा के वो लाई हूँ, हाइब्रिड वाले सीड लाई हूँ, मैं तो ये फ्रेश वाले मैंने निकाले हैं और ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट है इस टाइम। तो कैसे मैं इसको बचाती हूँ लगाती हूँ ये मैं आपके साथ, कैसे अगर इसकी पौध निकलती है। और ये पोपी के प्लांट्स हैं, तो अब ये कुछ थोड़े बड़े हो गए हैं और मैंने इनको अब फुल सनलाइट में रख दिया है। ये इस तरह से हैं पूरे गमले में, ये आप देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कारपेट सा बिछने लगा हो, ये इस तरह से। तो ये अब इनकी एक एक और ऊपर पत्ती आना स्टार्ट हो गई है और इस तरह से ये मेरे कैंडी टफ के, तो इनको भी मैंने कुछ दिन छाया में रखा था ताकि जो इनकी पौध है वो तेज धूप से मुरझा ना जाए। तो अब मैंने इनको फुल सनलाइट में रख दिया है। और ये मेरे क्राइसेंथमम के हैं, तो ये देखो इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। तो अब थोड़े से अगर ये बड़े हो जाना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर मैं इनको अलग अलग लगाना शुरू कर दूँगी अलग अलग जगहों में। तो जो मेरे क्राइसेंथमम के पहले से प्लांट्स हैं उनमें तो बर्ड्स आना भी स्टार्ट हो गई हैं। तो इस तरह से ये रहे मेरे पोपी के, और ये तो अभी भी बहुत ही नाजुक जैसे पौध है इनकी। और ये मेरे अजवाइन के, तो जो भाई बहन अजवाइन लगाने के शौकीन हैं वो इस तरह से लगा सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैप्सिकम को किस तरह से लगाना है। तो ये हम फ्रेश सीड से इसको लगाएंगे, ये रेड वाली, और इसके कुछ सीड में जो है वो उनको मैं सेव करके रखूंगी। तो सेव मैं इसलिए रखूंगी करके कि मैं उनको फरवरी और मार्च में लगाऊंगी। चाहे तो मैं फरवरी मार्च में फ्रेश भी लगा सकती थी, बट फिर वो भी मेरा एक एक्सपेरिमेंट ही होगा कि अभी इनको इनके सीड जो मैं सेव करती हूँ और वो फरवरी मार्च में लगते हैं कि नहीं, और मैं उस पर कुछ भी अप्लाई नहीं करूँगी।
जैसे कि एक्सपर्ट लोगों की एडवाइस होती है, अगर आप इन चीज़ों का, चाहे तो टमाटर का ले लो, चाहे तो कैप्सिकम का ले लो, चाहे दूसरी चिल्ली का ले लो, आप सीड लगाना चाहते हैं तो आप किसी अच्छी कंपनी का लीजिए, और चाहे तो आप अगर पूसा का ले लीजिए, और पूसा में जो सीड होते हैं वो अगर आप हाइब्रिड का इस्तेमाल करते हैं तो हाइब्रिड में जो आम प्रॉब्लम्स होती हैं वो इन प्लांट्स में वो प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। और जो इनके सीड अगर हमें सेव करने हैं तो उसके लिए क्या करना है, हमें सीड इनके निकाल के छाया में सुखा के उनको फिर थोड़ा टाइम बेवस्टिन के घोल में उनको रखना है, और वो हमारे क्या होता है कि सीड हमारे सुरक्षित हो जाएंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो अब मैं इनको बताऊंगी कि इनको ग्रो कैसे करना है। तो सिंपल सा तरीका है, हमें ग्रो कैसे करना है और सीड को सेव कैसे करना है। तो ग्रीन का तो मैंने जैसे कि आपको दिखाया था और इसके प्लांट्स भी दिखाए थे, तो आज मैं सिर्फ इसलिए रखी थी ग्रीन मिर्ची कि इसको भी सेम स्टाइल से लगा सकते हैं,